आगरा में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज से एक ऐसी करतूत सामने आई है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। आपको बता दें पूरा मामला क्या है। ट्रेन की चपेट में आने से एक मरीज घायल हो गया था, जिसके बाद उसे एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया, जहां 15 दिनों के इलाज के बाद उसे 3 दिन पहले एसएन मेडिकल कॉलेज से बाहर निकाल दिया। 3 दिन से वो व्यक्ति अब भूख और इलाज से तड़प रहा है। पूरा मामला बीएसए फैक्ट्री के पास रहने वाले मनोज पारासर, उम्र करीब 40 वर्ष, 4 तारीख को यमुना ब्रिज रेलवे स्टेशन के रेलवे पटरियों के सहारे होकर पैदल जा रहा था। तभी टूनला की ओर से आ रही जोधपुर हावड़ा ट्रेन तेज गति से आ रही थी और मनोज ट्रेन की हवा के दबाव में चपेट में आ गया और वहीं गिर गया, जिसमें मनोज के कूल्हे की हड्डी टूट गई और घायल हो गया। सूचना मिलते ही पीआरबी और आरपीएफ ने उसे एसएन में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां उसका ऑपरेशन किया गया। घायल मनोज का कोई भी परिवार का सदस्य नहीं है और ना ही माँ बाप हैं और ना ही पत्नी। हॉस्पिटल में उसकी देखभाल नहीं हो पा रही है। हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने उसे एक ऑटो में बिठाया और बाहर निकाल दिया। उसने तमाम दुआई दी, रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन अस्पताल में किसी ने उसकी एक न सुनी। इसके बाद वह 3 दिन से बीएसए फैक्ट्री के नज़दीक भूखा प्यासा पड़ा है। स्थानीय लोगों ने उसे आज पता चला तो खाना खिलाया, और लेकिन घायल अभी भी बिना दवा और इलाज के तड़प रहा है। क्या घटना हुई मनोज? स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आ गया। अच्छा, घायल हो गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में जीआरपी और 112 नंबर वाले इमरजेंसी छोड़िया जी। चौरस से चौरस दिन पड़ा हुआ जी। वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई जी। हमारे चला रहा। तो कौन ले गया था आपको? वहाँ से उन्होंने ऑटो में बैठा दी, ऑटो ने डॉक्टर में बैठा दिया ऑटो में, और यहाँ आ गए आप। हैं, उसके बाद में यहाँ पर यहीं पड़ा हुआ 14-15 दिन से भूखा प्यासा टूट लो। अरे, कोई मदद के लिए नहीं है आपके? नहीं। और इलाज के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है?